पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के बीच मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट को ममता का झटका। राज से बाहर शिलांग में राजीव कुमार से पूछताछ करेगा सीबीआई। एससी की अगली सुनवाई 20 फरवरी को। ममता बनर्जी का धरना 8 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा बसपा विधायकों का हंगामा, राज्यपाल पे फेंके गए कागज के गोले। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधानसभा में हुआ हंगामा, इसी दौरान सपा बसपा विधायक वेल में आ गए और कागज के गोले फेंकने लगे। बंगाल में योगी की रैली पर सियासत फिर तेज, योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी में जुबानी जंग बढ़ी। आज पुरुलिया में हेलीकॉप्टर लैंड करने की अनुमति नहीं मिलने पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर ममता सरकार पर साधा निशाना। ममता ने योगी को दी यूपी संभालने की नसीहत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस महासचिव का कार्यभार संभाला। कांग्रेस मुख्यालय में लगी उनके नाम की नेम प्लेट। प्रियंका सोमवार को ही अमेरिका से लौटी हैं। एक महीने पहले आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने वाले जम्मू कश्मीर के अधिकारी शाह फैसल ने नौकरशाही को बताया जेल। साथ ही फैसल ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया। बोले, कश्मीर राजनीतिक समस्या से घिरा हुआ है और इसका हल विकास योजनाओं से नहीं हो सकता। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।